अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक और जो है स्किन केयर के लोशन के बारे में बात करूँगा। वैसे तो इस कंपनी की दो क्रीमों के बारे में, इस क्रीम के बारे में मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ। आज मैं आपको के साथ इसके सीरम के बारे में बात करूँगा। तो नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हम चलते हैं अपनी वीडियो तरफ और देख लेते हैं सबसे पहले इसकी पैकिंग के बारे में। तो नाज़रीन, सबसे पहले इसके फ्रंट के ऊपर शाइनिंग फॉल ऊपर मैसेज किया हुआ है। इसके ऊपर उन्होंने अपना लोगो जो कि थोड़ा सा मूव करेंगे तो उसके ऊपर भी शाइनिंग फॉल ऊपर मैसेज हुआ है, वो लगाया हुआ है। नीचे आएँगे तो इन्होंने इसके ऊपर स्किन के लोशन ऊपर मैंशन किया हुआ है। इसके बाद नाज़रीन, इन्होंने इसके जो फ़ायदे हैं वो मैंशन किए हुए हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर इसकी कीमत की बात करें तो 120 रुपये जो है इसकी कीमत है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसके बाद नाज़रीन, इसके ऊपर जो है इन्होंने इसके फ़ायदे वगैरह मैंशन किए हुए हैं। इसके अलावा बार कोड नंबर ऊपर बनाया हुआ है, इसका मैं मगोरा स्वाद पाकिस्तान ऊपर मैंशन किया हुआ है, यानी कि ये मगोरा स्वाद से जो है मैनुफैक्चर होती है। इसके बाद अगर इसके दूसरी तरफ देखें तो इसके ऊपर इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको आगे चल के भी इसके बारे में बता दूँगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, अब जो है इसको देख लेते हैं खोल के। इसकी पैकिंग जो है ऊपर से तो मैंने आपको दिखा दी है कि किस तरह की है और ऊपर क्या क्या मेंशन है। अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसके अंदर से देख लेते हैं इसकी जो सीरम का ड्राफ्ट है वो किस तरह का होता है। तो नाज़रीन, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के ड्राफ्ट होते हैं। कोई भी आंखों या कानों में डालने के लिए इस तरह की जो पैकिंग है वो अंदर से निकलेगी। इसके अलावा एक इसका ब्रशर जो है वो निकलेगा, जिसके ऊपर इसकी मुकम्मल तफसील लिखी हुई है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसके फायदे क्या क्या हैं। तो नाज़रीन, इस तरह का ये ड्राफ्ट आपको मिलेगा जो कि 5 से 7 ml की मकदार में आपको मिलेगा। तो नाज़रीन, इसके बाद इसके अंदर से जो एक फिल्ट्रेशन निकलेगा, जिसके ऊपर सबकी जो प्रोडक्ट है शाइनिंग क्वालिटी स्टेप बाय स्टेप सब के बारे में लिखा हुआ है, इनके तेल, इसके अलावा क्रीमों के बारे में, सीरम के बारे में, जो भी इनकी प्रोडक्ट मार्केट में इन्होंने लॉन्च की है उन सब के बारे में इन्होंने इसके ऊपर तफसील से लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो इसके फ़ायदे ये हैं कि इसको लगाने से आपके स्किन के ऊपर अगर छाइयाँ हो गई हों, दागे, पातबे, कील, मुहासे, दाने के निशानात और आँखों के गिर स्याह हल्के जुड़ियाँ पड़ गई हों तो इसके इस्तेमाल से आपके वो सब जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो क्लियर हो जाएगी, यानी अगर आपके चेहरे के ऊपर जो उसके निशानात पड़ गए हैं, चाहे वो क्रीमों के इस्तेमाल के बाद जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं उसके हों या वैसे आपके चेहरे के ऊपर जो हैं वो निशानात हों, इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। और स्पेशली ये जो है अगर क्रीमों के साइड इफेक्ट के बाद अगर आपकी स्किन के ऊपर जो हैं दाग धब्बे पड़ जाते हैं तो इसको इस्तेमाल करने से वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अब इसके तरीके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं, इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, अगर इसके तरीके की इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको 2-3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आप इसको ऐसे ही हाथ की हथेली पर थोड़ा सा लगाएँ और इसके बाद आप पूरे चेहरे के ऊपर हल्के से हाथों से मसाज कर लें, इस तरह से लगाया जा सकता है। और दूसरा नाज़रीन, अगर आप के पास जो है शाइनिंग फॉल जो है वो क्रीम है तो उसमें डाल लें, अगर नहीं है तो आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आपने क्रीम में की एक दफ़ा लगानी है उतनी हाथ की थैली में निकाल लें, उसमें 1 से 2 कस्बे जो है वो मिक्स करने के बाद आपने चेहरे के ऊपर हल्के हाथों से मसाज कर लेना है। मसाज करने के बाद आपने जैसे कोई भी क्रीम रात को पूरी रात लगी रहने देनी है, इसी तरह ये भी आपने पूरी रात जो है लगे रहने देनी है। इसके बाद आप इसको सुबह जो है वो वॉश कर लें। नाज़रीन, आप मतलूबा नतज हासिल करने तक इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका जो इस्तेमाल है वो इसमें गैप डाल लें, अगर आपको मतलूबा नतज मिल गए हैं तो 1 से 2 दिन छोड़ के आप इसको लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद अगर आपको कोई मालूम दरकार हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ तक हो सके
میں آپ کی